हाई गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑस्कर शॉर्ट लिस्ट और रिमाइंडर लिस्ट में फ़र्क क्या होता है। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे इंडिया से करीबन 300 से ज़्यादा फिल्मों को यहाँ पे भेजा गया है ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए, लेकिन यहाँ पे सारे मूवीज़ को यहाँ पे रिमाइंडर लिस्ट में रख चुके हैं। रिमाइंडर लिस्ट वो होता है जो कोई भी यहाँ पे मूवी कई दूसरे अलग अलग मूवीज़ के साथ यहाँ पे कम्पीट करता है, लेकिन अगर आपका मूवी यहाँ पे नॉमिनेशन के लिए आ चुका है तो यहाँ पे विनिंग का चांस ज़्यादा बढ़ चुका होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो फाइनल लिस्ट रहता है उसी के लिए यहाँ पे कम्पीट करना पड़ता है। तो यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट का मतलब आके सिर्फ आपका जो देश से मूवीज़ जाएंगे ऑस्कर के लिए उसका नाम होगा, लेकिन अगर नॉमिनेट हुआ है तो यहाँ पे आके आपका जो ऑस्कर अवार्ड होगा उसके वक्त यहाँ पे बुलाया जाएगा जो नॉमिनेशन वाला जो लिस्ट है उनको। अगर उसमें से वे आके वोटिंग में पास हो जाते हैं तो उनको यहाँ पे ऑस्कर अवार्ड मिलता है। और यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए इंडिया ने भेजा कई सारे अलग अलग फिल्मों के नाम, जहाँ पे 300 से ज़्यादा मूवीज़ का नाम यहाँ पे लिस्टेड आउट किया गया है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि शॉर्ट लिस्ट क्या होता है और नॉमिनेशन क्या होता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और भी ऐसे वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक यू।